हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिपेंडेबल ड्रॉपडाउन। अब जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान, राजस्थान एक स्टेट का नाम है, ठीक है, ऊपर स्टेट लिखा हुआ है और यहाँ सिटीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको जो सिटी का नाम दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा जोधपुर, ठीक है। अब अगर मैं यहां से चेंज करता हूं, अब मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूं, तो यहां पर उत्तर प्रदेश जैसे ही मैंने किया तो आपको रिलेटेड सिटीज के नाम दिखाई पड़ रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हैं। यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये देवरिया, लखनऊ और गोरखपुर, यहां पे ये नजर आ रहा है। यहां पर भी मैंने बना रखा है, दो दो जगह बनाया है, तो दोनों जगह ये चेंज हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं यहां से फिर चेंज करता हूं, लाइक यहां पे कर देता हूं एमपी, तो जैसे ही एमपी किया तो यहां पर आप देख पाएंगे कि भोपाल, सतना और जबलपुर, ये एमपी के सिटीज के नाम आ रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको बनाना है तो क्या करना होगा, कैसे बना सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। एक दूसरी शीट पे चलते हैं हम और इसी सेम डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये यहां से मैंने उठाया और इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां आ जाते हैं, यहां पर, ठीक है। तो ये आ गए और यहां पर हम अपने डेटा को रख लेते हैं, लाइक ये हमारी सिटीज के नाम है और यहां पे स्टेट का नाम भी दिया हुआ है। एक डिफरेंट कलर इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम वो ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो यहां पर कर्सर को रखना है, ठीक है। कर्सर को रख लिया, यहां पर आपको सिंपली यहां डेटा टैब पे जाना है और यहां से चले जाना डेटा वैलिडेशन पे। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं तो ये डेटा वैलिडेशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहां पर आपको क्लिक करना है, लिस्ट फ्रॉम अ रेंज रहेगा यहां पे, और यहां पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आ रहा है सेलेक्ट अ डाटा रेंज, तो डाटा रेंज आपको यहां पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कौन सा डाटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहां पे अभी हमें लेना है स्टेट के नाम, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर क्लिक करके आप स्टेट की रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे आ रहा है B6, तो अगर हम केवल कॉलम का नाम यहां पे रहने दें तो इसका मतलब हो जाएगा इस रेंज में जो भी हम लिखेंगे, यानी बी वाले कॉलम में जो भी आप लिखेंगे वो पूरा जो है इसमें आ जाएगा, यानी कि इसी कॉलम में आप अदर आगे भी पढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं यहां पर केवल बी लिख देता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। ये ओके कर दिया, यहां पर रिजेक्ट इनपुट लगा देता हूं और सेव कर देता हूं। इतना काम हो गया। यहां पर आपको ये ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ रही है जिसमें ये तीनों ही स्टेट के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप अदर स्टेट के नाम भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अब यहां पर अगर मैं यूपी सेलेक्ट कर लेता हूं तो यूपी सेलेक्ट हो जाता है, अगर एमपी सेलेक्ट करता हूं तो एमपी सेलेक्ट हो जाता है। जो भी सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चाहते हैं कि इसमें जो सेलेक्ट करें वो दूसरे वाले कॉलम में अपने आप आ जाए, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड नाम आए, ये नहीं कि कोई भी, उससे रिलेटेड ही नाम आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो हिस्सा है यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। कौन सा फॉर्मूला, फिल्टर का फॉर्मूला। फिल्टर का फॉर्मूला हमने आपको पहले भी सिखाया है, ठीक है, एक्सेल में भी सिखाया है, गूगल शीट में भी सिखाया है। तो ये फिल्टर का फॉर्मूला आपको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। तो फिल्टर का फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो ये जो सिटीज के नेम है इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं इतना सिलेक्शन में लेकर के इसको केवल कॉलम का नाम रहने देता हूं ताकि अगर हम इस रेंज में बढ़ाते हैं आगे चल करके कुछ नाम तो ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद अब इनको सेलेक्ट कीजिए, हम स्टेट के नाम भी बढ़ा सकते हैं तो इसीलिए केवल कॉलम का नाम दे देते हैं। इज इक्वल टू लगाते हैं, इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो है ना इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देखेंगे कि यहां हमने सेलेक्ट किया है एमपी, तो एमपी से रिलेटेड सिटीज के नाम आ रहे हैं, भोपाल, सतना, जबलपुर, ठीक है। मैं यहां से चेंज कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं यूपी, तो जैसे यूपी चेंज किया तो यहां पे यूपी से रिलेटेड सिटीज के नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं राजस्थान कर देते हैं तो राजस्थान से रिलेटेड सिटी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए इतना तो हमने कर लिया, अब यहां पर नाम तो चेंज हो जाएगा ना, जैसे यूपी करेंगे तो यूपी के सिटीज के नाम आएंगे, ओके। अब आप कर्सर को यहां रख लीजिए, ठीक है, यहां रख लिया हमने कर्सर को और फिर वापस से चलते हैं डेटा टैब पर और डेटा वैलिडेशन पर। आगे डेटा वैलिडेशन पर लिस्ट फ्रॉम अ रेंज ही रहेगा यहां पे, इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, इसको चूज कर लेते हैं, ये जो है ना यहां पे आ रहा है, इसी को आप चूज कर लीजिए। यहां पर इसका भी मैं सिर्फ कॉलम ही रहने देता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। ओके कर दिया,
रिजेक्ट इनपुट पर क्लिक कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये सेव कर दिया हमने, तो यहां पर भी आपको ड्रॉपडाउन दिखाई पड़ने लगी है। अब यहां पर जाएंगे तो आपको देवरिया से रिलेटेड, सॉरी यूपी से रिलेटेड सिटीज के नाम दिखाई पड़ेंगे। अगर मैं यूपी से चेंज कर देता हूं एमपी, तो यहां पर जब जाएंगे तो एमपी से रिलेटेड सिटीज के नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, अगर मैं यहां पर कुछ चेंजिंग करता हूं, लाइक यहां पर आते हैं, ये देख सकते हैं यहां पर, और यहां पर मैं लिख देता हूं बिहार, ये लिखा मैंने बिहार, कुछ इस तरीके से लिख दिया बिहार, और यहां पे लिख दिया पटना, पटना ये लिख दिया, और अब एंटर प्रेस कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे बिहार आ चुका है, देख सकते हैं, और बिहार को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं, जैसे ही सेलेक्ट किया तो पटना ऑटोमेटिकली आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पे बिहार, यहां पे तो पटना आ गया, लेकिन क्या यहां पर भी आया हुआ है पटना? तो यहां पे देखिए यहां पर भी पटना आया हुआ है। फिर मैं इसको चेंज करता हूं, देखिए यहां से चेंज किया मैंने, फिर यूपी कर देता हूं, तो यूपी जैसे ही करेंगे तो यहां पर तो अपडेट हो गया, ये यहां पर भी बना रखा है मैंने, तो ये यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी अपडेट हो गया। तो आई होप कि अब ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, और आपको अगर बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप इस तरह की चीजों को देख करके और बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं गूगल शीट में भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कोई सवाल हो रिलेटेड टू गूगल शीट, रिलेटेड टू एक्सेल शीट, रिलेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एसक्यूएल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।